तो अगर आपको पक्की रजिस्ट्री के साथ में प्लॉट लेना है, अभी हम ये देखिए होटल के कोर्ट में आए हैं पलवल के अंदर, अगर आप पक्की रजिस्ट्री के साथ में प्लॉट ले रहे हैं, ये कंपनी के यहाँ पर ओनर बैठे हैं अभी करमवीर सर, और ये सारे जितने भी कस्टमर बैठे हैं, ये सारे के सारे जिन्होंने प्लॉट लिए हैं, ये यहाँ पर अभी रजिस्ट्री कराने के लिए आए हैं, मतलब पक्की रजिस्ट्री के साथ में यहाँ पर आपको प्लॉट मिल रहा है। और एक बात और बता दूँ आपको मैं, यहाँ पर आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा, अगर आप प्लॉट खरीदते हो तो बैंक से लोन भी मिल जाएगा, इस पे आपको यहाँ पर कंपनी भी यहाँ पर आपको ब्याज फ्री किस्तों में दे रही है, मतलब 2 साल की किस्तों में प्लॉट दे रही है कंपनी, अदरवाइज अगर आप बैंक से लोन करवाना चाहते हो वो मिल जाएगा। भाई ये बिल्कुल आपका NH2 ऑन हाईवे हो गया। हाँ हाँ, ये आपकी बसावट है, होटल रेस्टोरेंट वगैरह हर चीज बनी हुई है। हाँ हाँ, और सामने ये जमीन आपकी, ये साइड रहने वाली है, बिल्कुल ये बसावट हो रखी है, बिल्कुल साथ में ही लगी हुई सारी जमीन है अपनी। हाँ हाँ, हर चीज की फैसिलिटी है, मतलब बच्चों के लिए आपके स्कूल वगैरह है, कॉलेज है, भाई हर आदमी को क्या चाहिए भैया, कमाने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, फैक्ट्री वर्कशॉप चाहिए, वो आपको बिल्कुल पास में मिल जाएगी, रहने के लिए घर मिल जाएगा आपको, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज मिल जाएंगे, हाईवे के पास जमीन है, पीछे रेलवे स्टेशन है आपका बिल्कुल। और मथुरा एक्सप्रेसवे आपको प्लॉट लेने की अपॉर्चुनिटी मिल रही, ये सामने लाइन से यहाँ पर होल्डर्स बने हुए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब पास में, इंडस्ट्रियल एरिया सब पास में है, और आबादी के बीच में है, यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और ये है आपका कुंडली मानेसर पलवल, इसको केम्पे एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, जो दिल्ली के चारों तरफ फैला हुआ है, बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे बना है, इस एक्सप्रेसवे से भी एक्टिव कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है, यहाँ पर दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे है, और ये एक्सप्रेसवे भी आपको इसी साइड के बिल्कुल नियरेस्ट में मिलने वाला है, और ऑलमोस्ट इसका काम भी कम्प्लीट हो चुका है, जैसे कि आपके सामने है काम चल रहा है, बहुत जोरों शोरों पर काम चल रहा है इस पर। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मिलने वाला है आपको, दूसरा ये मथुरा एक्सप्रेसवे, ये भी आपको साइड के बिल्कुल पास में मिलने वाला है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं वॉक व्लॉग इंडिया। आज मैं फिर से आपको एक ऐसी साइट पर लेकर आऊँ जो कि मथुरा एक्सप्रेसवे से चंद मीटर की दूरी पर है, और ये जो बसावट है चारों तरफ यहाँ पर कोठी बनी है, यहाँ पर आपको सुलाखा रेलवे स्टेशन, JBM, टाटा, महिंद्रा और पीथला का इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पर आपको बिल्कुल साइड के निर्देश में मिलने वाला है। और अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, ये जो एक्सप्रेसवे है इसको दिल्ली से आगरा का जो एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है, मथुरा एक्सप्रेसवे जिसको NH2 भी बोलते हैं, यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर साइट है, मतलब आप समझ ही जाओ मथुरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और अगर मैं रेट की बात करूँ, यहाँ पर आपको मात्र 6,000 रुपये गज के अंदर प्लॉट मिलने वाला है, और इसके अंदर टाइमिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 24 महीने यानी 2 साल का टाइम मिल रहा है, जिसके अंदर कोई ब्याज नहीं है, कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल पेलसी वगैरह कोई चार्ज नहीं है, मतलब आप समझ ही जाओ एक ऐसी लोकेशन पे प्लॉट लेने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें हाईवे पास में है, इंडस्ट्रियल एरिया पास में है, सुलाखा रेलवे स्टेशन पास में है, बसावट पास में है, और बहुत एफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो अगर आप पलवल के अंदर, फरीदाबाद के अंदर पक्की रजिस्ट्री के साथ में, म्यूटेशन के साथ में प्लॉट लेना चाहते हैं तो इससे बढ़िया लोकेशन आपको नहीं मिलने वाली। बाकी इस कंपनी के जो ओनर हैं उनसे ब्रीफली समझते हैं यहाँ के बारे में। तो इस कंपनी के ओनर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, पर हमारे व्यूवर्स को, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा बताइए सर, शुभ नाम क्या है अपना? करमवीर नाम है। करमवीर नाम है सर। सर इस साइड पर आप इतने एफोर्डेबल प्राइस दे रहे हैं, इसका रीज़न बताइए सर, और ये जो लोकेशन है ये कहाँ पर रहने वाली है, हाईवे से और मार्केट से डिस्टेंस कितना रहने वाला ये है? ये भैया जो साइड है अपनी पलवल के नियर बाई ज़मीन है अपनी, ठीक है, बिल्कुल आपका सामने NH2 ऑन हाईवे चल रहा है, और बिल्कुल नियर बाई आपका रेलवे स्टेशन भी पड़ता है, इंडस्ट्री पास में पड़ती है, पलवल NCR के पास में ज़मीन है अपनी। ये रेलवे स्टेशन कौन सा सर? ये आपका सुलाखा रेलवे स्टेशन पड़ता है पास में। सुलाखा रेलवे स्टेशन है सर। जैसे कनेक्टिविटी तो यहाँ पर दुनिया भर की कनेक्टिविटी है, अभी मैं आ रहा था मुंबई एक्सप्रेसवे जी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, मथुरा एक्सप्रेसवे, बिल्कुल ये USPs भरी पड़ी है बिल्कुल। अभी सर जैसे यहाँ रोजगार की हम बात करें तो
तो रोजगार में सर कौन कौन सी कंपनियां एस्टेब्लिश हो गई? अभी फिलहाल के डेट में आपकी JBM कंपनी लग चुकी है जो आपकी बस वगैरह बनाती है, ठीक है, और महिंद्रा कंपनी भी जल्दी आ रही है और भी बहुत सारी कंपनी आ रही है, वर्कशॉप वगैरह भी लग चुकी है यहाँ पे बहुत सारी। अच्छा अच्छा, तो रोजगार की तो कोई कमी रहने वाली नहीं है यहाँ पे, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया। आपको अगर रोजगार आपके घर के प्लॉट लेके आपके मकान के पास में इंडस्ट्रियल एरिया देखना है तो वो आपके बिल्कुल निरेश, यहाँ से आपका ज्यादा ज्यादा 500 से 700 मीटर की दूरी पर आपको इंडस्ट्रियल एरिया मिल जाएगा टोटल। क्या बात है। और सर ये जो बसावट है इसके अंदर यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कोठियाँ बनी है सर, ये घर मकान बने हुए हैं, इधर भी बसावट है, इधर भी बसावट है, ये सामने भी बसावट हो रखी है, बिल्कुल मतलब बसावट के बीचों बीच है ये साइड, बिल्कुल। और सर रेट क्या रहने वाला है अपना? रेट इसका मात्र 6,000 रुपए गज का रेट है, ठीक है, और 2 साल का टाइम दे रहे हैं इसमें, 2 साल। हाँ, 50 गज का प्लॉट 3 लाख रुपए का मिलेगा इसमें, 50 गज का प्लॉट सिर्फ और सिर्फ 3 लाख के अंदर। और सर यहाँ पावर वेट ऑन नहीं है, रजिस्ट्री आपको रजिस्ट्री मिलेगी, मोटेशन दाखिला खारिज जिसको बोलते हैं वो मिलेगा, ठीक है। अब आप समझ जाओ पलवल के अंदर जहाँ पर रजिस्ट्री इस टाइम नहीं हो रही, हम आपको मात्र 6,000 रुपये के अंदर पलवल NCR के अंदर एक ऐसी लोकेशन पे पक्की रजिस्ट्री मोटेशन और इसके अंदर 2 साल का आपको EMI का भी टाइम देने वाले हैं, बिल्कुल। तो सर जैसे यहाँ पर 6,000 रुपये गज का रेट, तो सर बताइए हमें टाइम कितना मिलने वाला है इसमें? भैया आपको टाइम मिल जाएगा, 2 साल का टाइम मिल जाएगा, 6,000 रुपये गज का रेट है, 25% देकर रजिस्ट्री करानी है, रजिस्ट्री पहले कराओ और पेमेंट भी बाद में देनी है, ऐसा नहीं कि अच्छा। पेमेंट पहले देनी है, पहले अपनी रजिस्ट्री कराओ, मोटेशन वगैरह जो भी होती है वो कराओ, कब्जा लो, पेमेंट बाद में दो, पहले रजिस्ट्री करा लो कोर्ट में जाके, सेटिस्फेक्शन कर लो, उसके बाद बाकी का पेमेंट करना, सर का ये दावा है। मतलब आप समझ जाओ एक ऐसी लोकेशन पर आपके लिए प्लॉट लेकर आए हैं जिसके अंदर सिर्फ 6,000 रुपये पर गज का रेट है, पक्की रजिस्ट्री है, मोटेशन है, और सबसे बड़ी आसानी यहाँ पर किस्तों में, मतलब आपको 25% जमा करना है, बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए 2 साल का टाइम मिल रहा है, 2 साल का टाइम मिल जाएगा आपको, और किस्तों में पैसा देना है, ठीक है जी, उस पर कोई ब्याज, कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो आप यहाँ पर आइए, विजिट करिए और अपने अकॉर्डिंग प्लॉट पसंद करके उसको बुक करिए। तो इसी तरीके से मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू सो मच।